ओके, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन कार्ड एक्सपायर्ड प्रॉब्लम के बारे में। जिससे अगर आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं और दोस्तों वहां पर अगर आपका एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर दोस्तों अगर आप वन कार्ड ऐप को ओपन करें जिसे आप एम पिन डाल करके लॉग इन करने जा रहे हैं या फिर पेमेंट करने जा रहे हैं और दोस्तों वहां पर आपको जो है एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी दोस्तों वन कार्ड में एक्सपायर्ड का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम बहुत सारे वजह से आता है, इसके कई सारे कारण हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपका वन कार्ड अप्लाई हो गया है, पूरा आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, केवाईसी वगैरह आपका हो गया है, अगर आपका दोस्तों वर्चुअल कार्ड जनरेट हो गया है, उसके बाद दोस्तों अगर आप वन कार्ड ऐप को ओपन करते हैं और दोस्तों वहां पर वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बार दोस्तों आपको वन कार्ड ऐप को लॉग आउट करना है और दोस्तों दोबारा से आपको जो है वन कार्ड ऐप में लॉगिन करना है, या फिर दोस्तों आपको चेक करना है कि वन कार्ड ऐप में कोई अपडेट तो नहीं आया है। अगर दोस्तों कोई अपडेट आया है तो आपको अपडेट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगा। दूसरा में क्या होता है कि दोस्तों अगर आप वन कार्ड में रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर रहे हैं या फिर वन कार्ड क्रेडिट कार्ड में बिल पेमेंट करने जा रहे हैं या फिर दोस्तों कुछ भी कर रहे हैं और दोस्तों उस टाइम अगर आपका वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको कुछ टाइम के बाद जो है ट्राई करना है, आपको अपना नेटवर्क चेक करना है कि दोस्तों आपका मोबाइल का डेटा ऑन है, चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ में भी जो है सेम प्रॉब्लम हुआ है। फिर दोस्तों मैंने जो कुछ देर के बाद ट्राई किया तो वन कार्ड में जो एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा था वह दोस्तों हमारा ठीक हो गया। तीसरा में दोस्तों अगर आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को अप्लाई ही कर रहे हैं और दोस्तों बीच में अगर आपका वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों आपको जो कुछ मिनट के बाद ट्राई करना है या फिर कुछ दिन के बाद ट्राई करना है और दोस्तों अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको जो सभी डिटेल्स को सही सही से डालना है। जैसे दोस्तों अगर आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपको एफडी क्रेडिट कार्ड शो कर रहा है, तो जिसके नाम से भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, दोस्तों आपको जो उसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है, उसी का बैंक अकाउंट के थ्रू दोस्तों आपको पेमेंट करना है, एफडी करना है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका दोनों अलग अलग नेम हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप सभी डिटेल्स को सही फिल करके अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर दोस्तों उसके बाद भी सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है, अगर उसके बाद भी वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों आपको वन कार्ड का कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना होगा। बाकी दोस्तों जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उसी ट्रिक से आपका ये काम हो जाएगा, वन कार्ड में एक्सपायर्ड का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप उस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है ना, बिना कोई इनकम प्रूफ का मिल जाता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।